Such a disgusting promo cut by the makers of Bigg Boss by showcasing Salman Khan allegedly abusing Prateek, stopping so low generate TRP and curiosity. हाँ, स्टूपिंग सोलो भाई, मतलब ये बिग बॉस का हमेशा से रहा है कि भाई कितना धमाकेदार प्रोमो बन पाए, और जब वो एपिसोड आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा खुदा पहाड़ निकला चूहा। तो एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है उस बारे में बता दूं आपको सबसे पहले कि भाई एक टास्क के दौरान में प्रतीक ने जो है जाकर के बाथरूम का लॉक तोड़ दिया, और उस लॉक को तोड़ने के बाद से जो है इशू बनाना चालू कर दिया घर वालों ने। उसके ऊपर मैं कोटियाल बोलो या फिर जय भानुशाली बोलो, सभी ने बहुत अच्छा सा निकाला, एक एग्जांपल दिया भाई, मतलब अगर तेरी बहन अंदर होती तो उस वक्त में अगर कोई ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता। हाँ ठीक है, चलो यार देखते हैं ट्विटर पे पब्लिक क्या बोलती है। सलमान खान कैन नेवर यूज वर्ड्स ऑन नेशनल टेलीविजन, सच डेरोगेटरी प्रोमो कट शुडन्ट बी टॉलरेट बाय सलमान इन माय ओपिनियन। ओके, सुमित काडल ने लिखा ये चीज़। सही हुआ, एक लड़की अंदर बाथरूम के और तुम लॉक को तोड़ रहे हो, आधा घंटा वेट नहीं कर सकता था, विधि निकल जाती तब कर लेता, क्या हो जाता, उससे तो बस लॉक निकालना था जंगल वासियों को परेशान करने के लिए। आई एक्सेप्ट उसके इंटेंशन गलत नहीं था, बट हिज एक्शन वॉज रॉन्ग। भाई अगर गेम खेल रहे हो तो उसमें भाई स्पोर्टिव होना क्या बुरा है, आप तो गेम ही खेलने के लिए आए हो ना, किसी का आदर सत्कार अगर करने के लिए आए तो हो गया। और दूसरी तरफ पब्लिक ये भी चाहती है कि अच्छी इमेज बनी रहे, और ये भी चाहती है कि गेम जीत जाए। कोई ऐसा फिक्स एल्गोरिथम नहीं है बिग बॉस का कि ये करते रहोगे तो आपको जो है लोग पसंद करेंगे और आप विनर हो जाओगे। चलो आगे देखते हैं। BB15 फर्स्ट वीकेंड का वार का फर्स्ट प्रोमो 2 इज कैश्ड ऑन प्रतीक सहजपाल। वाओ, Without this man, what would have happened to this season? Repeat their bathroom of Bigg Boss 14? जो करेगा वही तो मिलेगा, और उसको करने में तो disgusting feel नहीं हुआ, अब makers disgusting हो गई। वाह, stop defending प्रतीक वरना तुम्हारा निशांत के जैसा ही हाल होगा। This is what they do every year, stooping so low just for TRP. Shame on makers. They are ruining his image. Bigg Boss makers are always like, उनको सिर्फ TRP से मतलब है। हाँ, रिप्लाइंग टू सुमित बिग बॉस, जय भानुशाली। ओके, जय भानुशाली अब्यूज टू प्रतीक सहजपाल, मॉम इट्स ओके। करण कुंद्र अब्यूज, ओके। ईशांत अब्यूज, ओके। बींग सलमान खान एंड एंडमॉल विल नेवर नोटिस, बट व्हेन प्रतीक ओपन स्क्रू ड्यूरिंग टास्क, everybody including Salman Khan making it issue. Jay is extremely close to Nadeem, who is Salman's man Friday. Salman personally went and showed Jay the entire house on the first day. He had issue by hugging, shaking hands with Prateek. Feel so sad for him. After promo, don't worry, Salman Khan repeat statement which anyone housemate talked about him for bathroom issue. ये सिर्फ TRP के लिए ऐसे promo बनाते हैं। ये बात सही है, लेकिन सलमान खान जो है ना हमेशा जो घर के अंदर में हुआ है word by word पिछले कई सालों से repeat करने लग गया, जैसे कि last season में राखी सावंत ने गु खिला दूंगी ये चीज को भाई भी बोल दिया था। उनको अगर मेकर का फेवरेट को आगे लाना है एंड ऐसे घटिया प्रमो रिलीज करना है, आई एम हेटिंग दिस प्रमो। लास्ट ईयर इट वॉज आसिम, दिस ईयर इट विल बी प्रतीक। अरे यार, लास्ट ईयर नहीं, मतलब बोलो लास्ट टाइम आसिम था, आसिम रियाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीन था, इस बार जो है आसिम का जगह जो है प्रतीक ने ले लिया है। कॉज सलमान कैन नेवर लाइक यंग जनरेशन हु आर डूइंग वेल इन लाइफ। Wait a minute, this is really disgusting. Host himself is abusing on national television, really tough on Prateek. Thank you so much for standing up, clearly defaming Prateek. Okay, this is so wrong. TRP के लिए किसी का character मत उछालो, don't put wrong allegations, stay strong Prateek. मेरा भी यही कहना है। बहन की तारीफ और माँ को गाली, वाह रे वाह, क्या बैलेंस किया है सलमान खान। एंड नाउ आई होप ही डजंट जस्टिफाई हिज वर्ड्स, trust me, he has done all this to make Jay Bhanushali look good because he went to drop him, the biggest celebrity in the house, Prateek. Okay, aisa bhi hai kya, matlab isliye gaya tha Salman Khan Jay Bhanushali ko pura ghar ghumane ke liye ke wo uska favorite hai aur jo makers jo hai usko show ka winner banana chahti hai. Okay fine, bloody 15 people living in a house, she knows Prateek is opening the bathroom lock and door was locked inside, but she make it mudda for footage. प्रतीक वॉज नॉट रॉन्ग। सही बात है, अगर बंदे ने बाहर से लॉक तोड़ा भी है पर लड़की जो अंदर नहा रही है वो तो अंदर से लॉक करके ही नहा रही होगी ना, तो बाहर से अगर लॉक तोड़ भी दिया है तो क्या फर्क पड़ता है।
वो लोग धक्के मार के दरवाजा तोड़ना थोड़ी ना चाह रहे थे, वो लॉक तोड़ना चाह रहे थे। पॉइंट है इस बात में, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर बताओ जरा। बाथरूम का पॉइंट मिल गया, बस अभी इसको पकड़ के आदमी को पागल कर देंगे क्या? बंदा अपनी गलती मान रहा है, अब क्या अपनी जान दे दे? वो जो इतना जलील कर रहे हो उसको, आई एम सॉरी बट आई कांट वॉच टुमारो एपिसोड कलर्स टीवी, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, प्रतीक सहजपाल। सही बात है, वैसे भी मुद्दा जब मिल जाता है तो ऐसे ही होता है भाई, एकदम बलि का बकरा बना देते हैं। अनएक्सेप्टेबल, वी वॉच द शो विथ आर फैमिली। कौन है बे जो बिग बॉस को फैमिली के साथ देखता है? कौन है? पिछले 5-6 साल से तो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। कंबल के अंदर में गुलू गुलू चलता है इनका, और स्टार्टिंग कहीं और से होते खत्म कहीं और करते हैं, भाई क्या मतलब क्या है? फैमिली के साथ देखते हो? शेम ऑन यू। इट्स फुल्ली एडिटेड एंड मिसलीडिंग प्रोमो, जनता को भड़काने के लिए बनाया है। वो क्या पकड़ा है भाई, जबरदस्त पकड़ा है। सलमान खान आपको अपना पॉइंट समझाना है, समझा दो। ये माँ की गाली किस बात की दी आपने? Not fair. What right does Salman Khan have to use such a word in order to prove his convenient justification given his track record? भाई फाड़ डाला, नाम क्या है? सत्या अथ्रेया। भाई सल्यूट बनता है। अब जो बोला है प्रतीक वही सलमान खान बोल रहा है, कोई अपने तरफ से मिलाकर नहीं बोल रहा है। करण जौहर थोड़ी है जो सब देख कर चुप हो जाए। I understand your feeling. Agree. They don't show how he was bullied by whole house. He only opened one screw of door handle from outside within 20 seconds. भाई हम लोग बिग बॉस देखना जो है ना बंद कर देना चाहिए हम लोगों को, हम लोग ढंग से नहीं देख पाते। There's a lots of good audience who can observe each and every seconds. सही में यार कैसे 20 सेकंड के अंदर में एक स्क्रू खोला और पूरा का पूरा ताला तोड़ने का इल्जाम ठोक दिया प्रतीक पे? वी स्टैंड विद प्रतीक। यस सर, दिस इज डिस्गस्टिंग एंड बाकी लोग तो तालियां लगा रहे हैं। डोंट सी टुमारोज वार, ही कांट इवन लुक अप। आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट हिम एनी मोर आफ्टर हाउ सलमान ट्रीटेड हिम। आई थिंक ही विल बी एलिमिनेटेड विद इन द नेक्स्ट मंथ। नहीं होएगा, नहीं होएगा, इसको जो है ना पूरा एंड तक खींचेंगे। पहला बलि का बकरा गुड लुकिंग, बॉडी शॉडी है, थोड़ा क्यूटनेस है, और तो और भाई वो शमिता के साथ में थोड़ा सा गुलू गुलू भी चल रहा है, मतलब सीरियस वाला हो या ना हो पर चल रहा है, एंगल बन चुका है, सो He will stretch till the end. ठीक है, तो भाई होने वाला है। होस्ट ही गाली दे रहा है तो ये जय को क्या बोलेगा गधा? प्रतीक अमेजिंग। आई एम श्योर वो जय की गाली रिपीट करना है। आई एम श्योर वो जय की ही गाली रिपीट कर रहा है। प्रोमो को कट करके मिसलीडिंग किया है, डोंट वरी। लेट्स सी इस हफ्ते का वीकेंड का वार किस पे करता है वार। दिस इज बायस्ड, अनएक्सेप्टेबल, सीरियसली दिस कैरेक्टर असैसिनेशन, शेम ऑन मेकर्स। माना प्रतीक गलत है इधर पर, जिस तरह ये बिग बॉस वाले प्रमो दे रहे हैं उससे तो बंदे की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। भाई उड़ा देते हैं ये लोग। पता है केवी कितना बड़ा स्टार था टीवी का, उसको जोकर बना के छोड़ दिया। उसके कपड़े पे कमेंट, उसके एटीट्यूड पे कमेंट, उसके लुक्स पे कमेंट, उसके चेस्ट पे कमेंट कि भाई तेरा बूब्स का एक क्लीवेज दिख रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग? अगर यही चीज कोई सलमान खान को बोलते कि सर आपका वो जो है ना वो ब्लैक शर्ट के अंदर से जो है पेट बाहर झांक रहा है। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी शेमिंग, लेकिन जिस तरह से सलमान खान सबको करते हैं, अगर कोई कंटेस्टेंट ये कह दे सर आपने ब्लेजर इसीलिए पहना है ताकि आपके नीचे का जो कमर का कमरा हो गया है वो दिख ना जाए, इसीलिए आप ब्लैक और ऊपर से जो है ब्लेजर मारते हो, सो क्या करेंगे उस वक्त में? सलमान खान विल थ्रो आउट दैट पर्सन from the industry, not from only the show. घर वाले तो घर वाले, ये तो कलर्स वालों को भी प्रतीक से फुटेज चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। He already is going through a lot. They bully him, target him, trying to break him down. भाई this is a part of show. हाँ ऐसा होता है, और सभी लोग तुमको इसीलिए घसीट के नीचे ला रहे हैं ताकि तुम भाई औकात में रहो, और फिर भी आपको वहां पे चमकना है और यार बाहर वालों से वोट्स वगैरह ले लेना है, भले से एंड तक जो है वो वोटिंग उनके तरफ से हो और किसी और को जिता दे, लेकिन आपको शो में खींचे रहने के लिए ऐसा करते रहना पड़ेगा। नो कमेंट टिल द टाइम आई डोंट सी द फुल एपिसोड। आई एम श्योर थिंग विल बी गेट टर्न अराउंड बिकॉज जय एंड करण का मुंह भी झुका हुआ था। भाई चुम्मेश्वरी, क्या चुम्मेश्वरी कमेंट मारा है भाई, लेके जाओ। मैं टेरेंस नहीं हूं लेकिन सच बता रहा हूं, सही कहा तुमने। जब तक पूरा एपिसोड ना देख ले तब तक यार कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि थोड़ा सबका लटका हुआ है। बट आई डिड सी अनदर वन वेयर ही सेज तो मैं आपकी माँ, एंड देन इट कट्स। आई रियली होप ही डिडंट से व्हाट इट टुक लाइक, दैट वुड बी अगली लेवल ऑफ डिस्कस्टिंग। आपकी क्या,
सलमान तेरी बहन के साथ प्रतीक होता तो कुछ नहीं होता, हाँ लेकिन सलमान मेरी बहन के साथ तू होता तो कुछ भी हो सकता था। तेरा तो हिस्ट्री है ना, आई कैन डाउट ऑन यू बट नेवर ऑन प्रतीक। भाई फाड़ डाला इस बंदे के अकाउंट पे अगर सल्लू पहुंचा ना भाई तो पूरे खानदान में घुसेगा। तो भाई ओवरऑल इतना समझ में आ गया है कि अभी तक जो है वीकेंड का वार का सिर्फ प्रमो देख करके पब्लिक जो है पूरी तरह से भड़क चुकी है और फुल सपोर्ट में है प्रतीक सहजपाल के, और यहाँ पे जय एंड करण के ऊपर में लगा रही है वाट पब्लिक। लेकिन अभी ऑलरेडी शूट हो चुका है, नेक्स्ट वीक में जो है इसका असर देखने को मिलेगा और शो जो है उस हिसाब से फिर टर्न अप किया जाएगा। वैसे सलमान खान को अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा ओपन अप हो चुके हैं, अब उनको पता है कि उनकी एज हो चुकी है, उनके फिल्में जो है सिर्फ नाम से चल जाती है और लोगों के दिमाग में इमेज पहले से सेट है, तो अभी वो कुछ भी करे कुछ भी बोले दैट डजंट मैटर। तो भाई मेन बात ये है कि सलमान खान ओपन अप हो चुके हैं, जो भी गाली है वो गाली देते हैं, भले से वो चूतिया हो, तेरी माँ का, तेरी बहन का, कुछ भी हो, वो एकदम खुलेआम देते हैं आजकल और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था यार जब रियलिटी शो के अंदर में ये सारी चीजें ब्लर और म्यूट की जाती थी, लेकिन आजकल जो है ब्लर हटा दिया गया है ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए कि उसने कौन सी गाली दी है, और सलमान खान भी जब उस गाली को रिपीट करते हैं तो भाई वो भी दिखाया जाता है, सुनाया भले से ना जाता हो। अब क्या लगता है आपको, जहां पे पब्लिक OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को देख करके ये समझ जाती है बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ सीन से समझ जाती है, इस जगह पे ये सीन को दिखाने का मेन मीनिंग क्या है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यार आप जनता के सामने में खुलेआम वो सारी चीजें रख रहे हो। प्लीज इस शो को जो है 11 बजे के बाद रिलीज करो, रात के 1 बजे तक चलाओ, दैट विल बी फेयर अनफ टू द ऑडियंस, क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो है अपने फैमिली के साथ में और बच्चों के साथ में तो देखने के लिए बैठने की सोच ही रही होती है और उसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। व्हाट डू यू थिंक, प्लीज डू कमेंट। और क्या बोलती पब्लिक का, ये एपिसोड आपको कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एंड तक देख